हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज आ गया है सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर थर्ड। लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में जो भी टॉपिक बच रहे थे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसको लेक्चर थर्ड में आपके कंप्लीट कर दिया जाएगा अच्छे से, ठीक है, जिससे आज आपका सिंप्लीफिकेशन पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, ओके। और कल के मैंने कमेंट्स आपके रीड किए हैं, दो तीन बच्चे हैं जिनको फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, तो आज मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगी अच्छे से, उसके बाद ही स्टार्ट करूंगी लेक्चर थर्ड को, ओके। तो चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये मैंने फिफ्थ क्वेश्चन ले लिया है और जो फोर्थ वाले क्वेश्चन है वो आपको कल के संडे के टेस्ट में मैं अच्छे से कंप्लीट करा दूंगी, कवर कर दूंगी। तो आज ये क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद कल संडे वाले में मैं फोर्थ क्वेश्चन को ले लूंगी, ठीक है। तो जिसको भी नहीं समझ में आता वो देख लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, ठीक है। अपना सपोर्ट शो करिए आप लोग, और अपने कमेंट करके ज़रूर बताया करिए जिससे कि मैं आपको देख पाऊँ कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आया है और नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर पाऊँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे तभी मैं क्लियर कर पाऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, जिसको भी डाउट था वो ज़रूर देख लेगा। वन अपॉन में रूट फोर प्लस फाइव, वन अपॉन में रूट फाइव प्लस रूट सिक्स, वन अपॉन में रूट सिक्स प्लस रूट सेवन, और वन अपॉन में रूट सेवन प्लस रूट एट है। इसका हमें क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो मैंने कल ये बताया था आप सभी को कि जब भी इस तरह की क्वेश्चन दिख जाए अपॉन में रूट लगा रहा है, ठीक है ना, वन अपॉन में रूट लगा रहेगा, तो उसका हमेशा हम लोग क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे आप लोग उसका समझ लीजिए। जैसे कि नीचे लगा हुआ है रूट फोर है प्लस रूट फाइव है, इसमें साइन क्या है? पॉजिटिव का है, तो हमें इसका साइन चेंज करके नेगेटिव करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है। क्या कर देना होता है? इसी का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हमने कर दिया रूट फाइव माइनस रूट फोर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, और रूट फोर प्लस रूट फाइव ये तो लिखा ही हुआ है, और नीचे भी हमने इसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्या कर दिया? रूट फाइव माइनस रूट फोर। तो जब ये कर दिया तो क्या हुआ? देखिए, ये हो गया था a माइनस बी हो गया, ठीक है, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज़ लिखा है रूट फाइव माइनस में रूट फोर, नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा, ठीक है, रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट में फोर का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रूट फाइव का स्क्वायर क्या आएगा? फाइव आएगा, और रूट फोर का स्क्वायर क्या आएगा? फोर आएगा। तो फाइव में से फोर को माइनस किया वन आ गया, इसलिए हमने सिंपल सा यहाँ पे ये लिख लिया रूट फाइव माइनस में रूट फोर। तो इस वाले को जब हमने परिमेयकरण किया यानी कि रेशनलाइजेशन किया तो क्या आ गया? रूट फाइव माइनस रूट फोर आ गया। तो उसी के अकॉर्डिंग जब हम और सारे नंबर का परिमेयकरण कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? चलिए स्टार्ट करके देख लेते हैं। यहाँ से रूट फाइव माइनस में रूट फाइव माइनस में रूट फोर, ये पहले वाले का आया। सेकेंड वाले का क्या आ गया? रूट सिक्स माइनस में रूट फाइव आ गया। आप लोग सबका ट्राई कर लेना। उसके बाद फोर्थ थर्ड वाले का क्या आ गया? रूट सेवन माइनस में रूट सिक्स आ गया। और उसके बाद वाले का क्या आ गया? रूट एट माइनस में रूट सेवन आ गया, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव ये सबको कैंसिल कर देना है। तो प्लस वाला नंबर क्या था? देखिए, यहाँ पे रूट फाइव माइनस में है, यहाँ पे रूट फाइव प्लस में है, कैंसिल हो गया। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। क्या क्या बच गया? देखिए, रूट एट माइनस में ये क्या है? रूट फोर है, इतना बच गया। रूट एट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टू अंडर रूट में टू लिख सकते हैं, और रूट फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टू लिख सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट फोर को टू लिख सकते हैं। तो टू को जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया आंसर? अंडर रूट में टू माइनस वन, यहाँ से ये आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने पूरा बताया था आपको बेसिक मेथड से। और हमने ट्रिक के लिए क्या बोला था? ट्रिक के लिए ये बोला था कि जब भी आप रूट को भूल जाइए और डिफरेंस देखिए इन दोनों नंबर में, जैसे यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे फोर है, तो जब भी इन दोनों में डिफरेंस वन का दिख जाए तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें बड़े वाले नंबर को ले लेना है और छोटे वाले नंबर को ले लेना है। तो बड़े में से आप छोटे को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने ट्रिक के लिए बोला था। और ये ट्रिक कब अप्लाई होगी उसके लिए आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे फोर है, रूट को भूल जाइए, फाइव है फोर है डिफरेंस वन का है, सिक्स है फाइव है डिफरेंस वन का है, सेवन है सिक्स है डिफरेंस वन का है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें डिफरेंस वन का हो जाए और रूट के अंदर में हो, तो परिमेयकरण करेंगे तो नीचे तो वन ही आ जाएगा, इसलिए हमें दिक्कत नहीं होती है ना। तो ट्रिक की मेथड से आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करिए इसको, कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अंडर रूट में एट माइनस अंडर रूट में फोर इसका आंसर हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे सॉल्व करके पूरा निकाला है, आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। बड़े में से छोटे को डायरेक्ट माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया था ट्रिक की मेथड, ओके। अब तो डाउट एकदम क्लियर हो गया, ठीक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर थर्ड, ओके। चलिए देख लेते हैं उसको, उसमें क्या क्या टॉपिक लिए गए हैं आपके। अब देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो इसको हमें कैसे सॉल्व आउट करना है इसको सीख लेते हैं।
जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.83, 0.83, 0.83, इन तीन, इसका तीन बार लिया गया है। फिर 0.17 को भी तीन बार लिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया ए है, ये क्या है, ए है, ठीक है, इसको हमने मान लिया ए है। तो ए भी ये हो जाएगा और ये वाला भी नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और रूट, ठीक है, क्योंकि तीनों सेम है तो ए ए सभी हो गए। इस वाले को हमने मान लिया बी है, तो जैसे ही हमने इस वाले को माना बी, तो ये भी बी हो गया और ये नंबर भी क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये सारे नंबर को हमने ए मान लिया, इन सारे नंबर को बी मान लिया। तो जब इसको हमने ए माना है तो यहाँ पे भी ये हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये वाले क्या माने हैं, बी माने हैं, फिर ये बी और ये बी, ठीक है। अभी समझते रहिए, फिर समझ में आएगा ये हम इसको क्यों कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे इतना हो गया। अब इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, तो जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में देखिए क्या आएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में ए इंटू ए है, इसको हम लिख सकते हैं ए का क्यूब। फिर प्लस बी इंटू बी है, इसको हम लिख सकते हैं बी का क्यूब। ओके, डिवाइडेड बाय ए इंटू ए है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस ए इंटू बी है, तो इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे ए इंटू बी। फिर प्लस साइन लगा करके बी इंटू बी है, मतलब बी का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये इसका हो गया शॉर्ट फॉर्म। अभी वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी समझ लीजिए पहले जो समझा रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रिक में, है ना। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब जब हम करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, देखिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाता है। और डिवाइडेड बाई में हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, जैसे ही हमको दिख गया ऊपर और नीचे के सेम, हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, ए प्लस बी बच गया, ए प्लस बी बच गया, और यही हमारा आंसर भी है। ए प्लस बी जैसे ही हमारे पास आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि अब इसको हम और नहीं कट कर सकते हैं, ये मैक्सिमम कट हो चुका है, ठीक है। तो ए की जगह पे हमने क्या माना था, 0.83 माना था। बी की जगह पे हमने क्या माना था, 0.17 माना था। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.00, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। डेसिमल का एडिशन तो आप लोगों को बता ही चुके हैं, तो ये क्या हो गया, इसका एडिशन हो गया, आंसर क्या आ गया, इसका 1 आ गया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की ज़रूरत इस तरह से नहीं है मल्टीप्लाई कर करके। आप इसको जैसे ही नंबर सबको देखिए, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अपॉन में ये लिखा है। आपको फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला बिना याद किए नहीं हो सकता है मैथ्स में क्वेश्चन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में अक्सर ही एक आध क्वेश्चन इस तरह के दे देते हैं जिससे कि आपको फॉर्मूले बेस पे जाना होता है, ठीक है। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह लेकर के देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बताया गया है 0.54 इंटू 0.54, वही काम कर लेते हैं। 0.54 को हमने मान लिया ए, ये भी ए हो गया, इस वाले को हमने मान लिया बी, तो ये भी बी हो गया और ये भी बी हो गया, ठीक है। और ये क्या है, अभी इसको बताते हैं ये क्या है। चलिए देखिए, पहले ए इंटू ए है यहाँ पे, ठीक है। ए इंटू ए का क्या होगा, ए का स्क्वायर। बी इंटू बी का क्या होगा, माइनस बी का स्क्वायर। डिवाइडेड बाई में क्या लिखा हुआ है, 0.08। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ से तो आपको मिल गया। अब आप लोग एक बार चेक करिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, इन दोनों नंबर से रिलेटेड ही कुछ लिखा रहेगा नीचे, इतना श्योर रहिएगा। तो 0.54 में से अगर हम माइनस करते हैं 0.46, तो क्या आएगा, 0.08 ही तो आएगा, 0.08 ही तो आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ गया समझ में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ए माइनस में बी, ठीक है। 0.54 में से आप 0.46 को माइनस करिए, आपका आ जाएगा ए माइनस बी, यानी कि 0.08। तो कुछ फॉर्मूला दिखा आपको, ऊपर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है ए माइनस बी है, तो नीचे है ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या है ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी, नीचे वही ए प्लस बी आ गया, 0.54 और प्लस 0.46 हमें कर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, 1 है, तो 1 इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये लंबे लंबे क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई करके नहीं करने हैं, आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले से अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे चलें, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग।
तो ये है केस सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरह में भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं और इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी होता है। आप लोगों को बस एक बार बताएंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा और मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन आता भी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। अंडर रूट के अंदर में लिखा हुआ है रूट 36। रूट 36 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या आएगी उसकी वैल्यू? 6 आ जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 36 विच इज़ इक्वल्स टू 6, ये तो पता ही है। तो जैसे ही हमने इसकी वैल्यू निकाली रूट के बाहर, ये 6 आ गया। 75 प्लस 6 करेंगे कितना जाएगा? 81 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे देख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न होने लगेगी फिर। यहाँ तक हमने सॉल्व किया है, इसका आ गया 6। 75 में 6 को ऐड किया, क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। ठीक है, 75 में 6 को ऐड किया, 81 आ गया। अब 81 का अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगी इसकी वैल्यू। यहाँ से क्या आ गया? 9 आ गया। अब 9 में 16 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 9 में 16 को ऐड किया, क्या आ गया? 25 आ गया। अब उसके बाद 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5। ये 5 बाहर निकल आया, तो 5 बाहर निकल आया तो 5 में 4 को ऐड कर लिया। 5 में 4 को ऐड किया तो क्या आ गया? अंडर रूट में 9 आ गया। और अंडर रूट में 9 का वैल्यू क्या होता है? 3 होता है। और यही इसका आंसर है। इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? रूट में 9 आया, रूट में 9 को हमने सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 3। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन एकदम क्लियर है ना आप लोगों को? ओके, अंडर रूट में 25, 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ से 5 निकल आया, 11 प्लस 5 16। ठीक है, 11 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या पूरा। देखिए, रूट 28 प्लस 61 प्लस रूट 5, यहाँ तक का तो सॉल्व हो ही गया है। अंडर रूट में 5, 25 को हमने सॉल्व किया, 5 आ गया। और 5 प्लस 11 करेंगे, क्या आ गया? 16 आ गया। अब 16 का जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। 16 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9 हो गया। तो फिर से इसको लिख लीजिए, 28 प्लस रूट में 61 और प्लस रूट में 9 आ गया। 9 को रूट से हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जब 9 को रूट से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। 61 प्लस 3 64, 61 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 28 और प्लस रूट में 64, 64 को अब आप लोग रूट से बाहर करिए। 64 को रूट से बाहर करेंगे क्या आएगा? 8 आएगा। 64 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या जाएगा? 8 आ जाएगा। और फिर अंडर रूट में 28 प्लस 8 क्या आ जाएगा? रूट में 36 आ जाएगा। और रूट में 36 की वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली करिए, वो मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए लिख करके समझा रही हूँ। अंडर रूट 25 का निकला 5, 11 प्लस 5 16, 16 का निकला 4, 4 प्लस 5 9, 9 का निकला रूट के बाहर 3, 3 प्लस 61 64, 64 का निकला 8, 8 ओवर 28 36, 36 का निकलेगा तो 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। इस क्वेश्चन के जितने भी टाइप्स हो सकते थे, इसको मैंने क्या किया है, 5 मिनट ट्रिक्स पे अपलोड कर दिए हैं। तो 5 मिनट ट्रिक्स में जिसने घात और करनी वाला वीडियो नहीं देखा है, वो ज़रूर से जाके देखेगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा, नहीं होगा कोई भी साइन, तो कैसे करना है। करनी अगर इनफाइनाइट तक दी होगी तो उसको कैसे करना है। तो आपको 5 मिनट ट्रिक्स में जितने भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ वाले क्वेश्चन है, वो सब आपको अपलोड कर दिए गए हैं। और अभी ये क्वेश्चन लेकर के मैं आपको समझा देती हूँ इसको कैसे करना होता है। देखिए 56 हैं, और यहाँ पे भी सारे 56 हैं, और ये करनी कहाँ तक गई है? इन्फिनिटी टाइम्स तक गई है। और यहाँ पे साइन किसका लगा है? पॉजिटिव का साइन लगा है। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 56 को ऐसा ब्रेक करना है, दो फैक्टर करने हैं कि उन दोनों फैक्टर के बीच में डिफरेंस 1 का हो। कितने का डिफरेंस हो? 1 का हो। ठीक है, तो 56 का जब हमने फैक्टर किया तो कितना आ गया? 7 और 8, 8 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। इन्हीं दोनों में से बस आपका आंसर हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो आपको साइन देख लेना है। साइन किसका लगा हुआ है? यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा है। तो जब भी यहाँ पे साइन पॉजिटिव का लगेगा तो आपका आंसर बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, और यहीं यहाँ पे अगर साइन नेगेटिव का लगा होता तो आपका आंसर छोटा वाला नंबर हो जाता। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। और इस क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड बन सकते हैं और भी, कि यहाँ पे माइनस लगा हो, मल्टीप्लाई लगा हो, तो उसको कैसे करना है, वो आप 5 मिनट जीके ट्रिक पे जाकर के देख लीजिएगा। ओके, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट्स हमको ज़रूर बताइएगा।
चलिए चलते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड वाले क्वेश्चन भी एक बार करवा देते हैं जिससे कि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि इस तरह के क्वेश्चन भी कैसे करने होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने कल ही के वीडियो में बताया था कि जैसे बॉर्ड मास का रूल आ जाएगा उसमें ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होगा, तो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है। इसमें देखिए सारे टाइप्स के ब्रैकेट लिए गए हैं, स्मॉल ब्रैकेट है, फिर मिडल ब्रैकेट है, फिर लार्ज ब्रैकेट भी है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे पूरे नंबर है उसको मैं एक बार उतार लेती हूँ। 8 माइनस में 7 माइनस में एक्स माइनस में फिर क्या है, अब हम इस ब्रैकेट को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, ये पूरा नंबर लिखा हुआ है इक्वल टू 5 के है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 4 2 ज़ा यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया, 8 में से 7 गया 1, तो इस वाले का साइन पूरे का क्या आ गया, सॉल्यूशन 1 आ गया। ठीक, फिर मिडल ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमने लगा दिया विच इज़ इक्वल्स टू 5 है। यहाँ तक समझ में आया, 4 × 2 किया 8 आ गया, 8 में से 7 को माइनस किया 1, 1/2, ये इसका यहाँ तक आ गया। ठीक, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, 8 माइनस 7, फिर माइनस लगा हुआ है और ब्रैकेट लगा करके एक्स माइनस 1/2। ठीक है, अब स्मॉल ब्रैकेट हट गया, इसका सॉल्यूशन आ गया एक्स माइनस 1/2, और ये हमने लगा दिया लार्ज ब्रैकेट यानी कि बड़ा वाला ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 5 दिया है। अब देखिएगा, 8 को ऐसे ही लिख लीजिए, माइनस में ब्रैकेट लगा के 7 को लिख लीजिए, माइनस में इसको सॉल्व करिए, 2 × x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, 2 × x माइनस में 1/2, ये एलसीएम ले लिए। यहाँ तक का समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, देखिए यहाँ तक का क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमें इसको कैसे करना है, देखिए इसको करने का सीख लेते हैं। 8 माइनस में ये बड़ा ब्रैकेट लगे रहने दीजिए, 7 माइनस में, आपको हमने पहले ही और दूसरे वीडियो में बता दिया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा है तो अंदर के जो नंबर्स होंगे उनके आगे का साइन जो होगा वो अपने आप चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे इसके आगे प्लस का साइन है तो इसके आगे माइनस हो जाएगा, और इसके आगे माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा। ये तब होगा जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा होगा तो अंदर वाले के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2x-1/2। ठीक है, अभी हमने साइन का मल्टीप्लाई नहीं किया है, अंदर साइन का जैसे ही कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करना है, इसका हमें इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, ऐसे हम लेते जाना है बस इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, सॉल्व होता जाएगा। 7 2 ज़ा 14 माइनस 2x और प्लस 1, अब हमने साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस क्या हो गया, 2x हो गया, और माइनस माइनस हो गया प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट भी हट जाएगा। पहले इसको अंदर का सॉल्व करिए, 8 माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 2x लिखा है, और 14 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 15, डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 5 है। अब फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, 8 2 ज़ा 16, और ये माइनस माइनस होके प्लस 2x, और ये माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2x/2 इक्वल्स टू 5। ये 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 + 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 10 हो गया। 1 + 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 1 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2x इज इक्वल्स टू 9, 2x इज इक्वल्स टू 9 मिल गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 9/2, और हमारा आंसर यही हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।